गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज कई दिनों बाद मैं क्लास 10th का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका आप लोग पहले से वीडियो देखेंगे और फिर इसको देखेंगे, समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, जो सीरीज बनी थी हमारी A1, A2, A3, A4 और A1 ऐसे करके बनी हुई है, तो इसमें ये जो सीरीज है इसमें जो ये दिए हुए हैं ये सब टर्म्स नंबर, यानी पहला ये हो गया A1 जो होगा पहला टर्म, A2 जो है दूसरा टर्म हो गया, A3 जो हो गया तीसरा हो गया, A4 चौथा हो गया, और इस तरह से ये कहीं पर तो ख़त्म होगी। तो वो जो लास्ट टर्म होगा या जहाँ पर ये सीरीज खत्म हो रही है वो AN टर्म, यानी अगर इसको लिखा जाए, देखिए A1 ये A हो गया, ये क्या हो जाएगा A+D हो जाएगा, सेकंड टर्म जो होगा A+D होगा। ये पिछला जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, और इसी तरह से A+2D हो जाएगा, A+3D हो जाएगा, और ये AN = क्या हो गया A+N-1 × D होगी, ये nth टर्म हो गया, या इसी को हम अगर लास्ट टर्म कहें तो देखिए लास्ट टर्म क्या हो, L = A+N-1 × D हो गया, ये हुआ। इसी को अगर हम AN = लिखें तो A+N-1 दोनों बात एक ही है। अब देखिए ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे इसको फॉर्मूले को लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करें। इसका फंडामेंटल बेसिक यही है कि आप जैसे टर्म बढ़ते जाएंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, जैसे मान लीजिए हम 2 की टेबल लिखते हैं, ठीक है, देखिए 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 है ना, 2 5 10, और इसको हमने क्या किया 16 में खत्म कर दिया। तो पहला टर्म क्या हो, देखिए 2 हो गया, और एक निश्चित संख्या सब में ऐड होती जाए, यानी 2 में 2 ऐड हो, फिर ये कितना है 4 है, अब 4 में फिर 2 ऐड हो तो कितना है, ये 6 है, फिर 6 में 2 ऐड हो कितना है, ऐसे ये सीरीज कहाँ तक चली, 16 तक, यानी लास्ट टर्म हमारा क्या है 16 है, पहला टर्म क्या है A है, A2 है, और जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसी से भी एक से निकाल लीजिए 2 है, 8 में 6 माइनस कर दीजिए तो 2 आया, तो ये भी होता। तो इसका सीरीज का अब देखिए 5.2 के ये बढ़िया टेबल बनी हुई है जिसमें ये दिया हुआ है कि आपको A = फर्स्ट का फर्स्ट, A = आपका दे दिया 7, D = कितना हो गया 3, और N = हो गया 8। अब फाइंड करना है आपको A, तो सीधे उसका फार्मूला लिखिए कि AN = क्या होगा, AN = क्या होगा, A+N-1 × D होगा, आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो AN = कितना, AN की प्लेस पर 8 है, बढ़िया 8 लिखिया, 7+8-1 और D कितना है, ये क्या हो जाएगा A8 = 7+, ये क्या हो जाएगा 7 × 3, तो A8 = कितना हो गया 7+21, यानी A8 = कितना है 28 है, और यही इसका आंसर है। अब देखिए दोनों कितना आसान है, ठीक है, ये बेसिक चीजें आप अगर जानते जाएंगे तो अपने आप बाकी थोड़ा थोड़ा टप आते जाएगा तो आपसे बनते जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि A = -18, ठीक है, D = आपको फाइंड करना है, N = 10 है, AN = 0, यानी A = इसी का सेकंड नंबर, A = कितना है -18 है, D = पता ही नहीं, लापता ही, और AN = कितना है 0 है, और N = कितना है 10, ठीक है, A = 18, N = 10 और AN = 0, D निकाल ला,
आप सीधे फार्मूला फिर से वही लिखिए, ये जो फार्मूला दिया an इक्वल टू कितना a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू, ये तीन बार लिखेंगे इतना आसान फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। बस इसको तीन बार लिखो, an की प्लेस पे 0 रख दी और ये हो गया क्या, a की जगह क्या हो गया माइनस 18 प्लस ये हो गया 10 माइनस 1 इंटू बी। आप देखिए ये इधर ले आई इसको, ये माइनस है तो आगे प्लस हो गया और ये क्या हो गया 9 डी हो गया, 10 से 1 माइनस 9। अब ये d इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन 9, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ये सीरीज जो है इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं थर्ड फोर्थ नंबर इसमें डेसिमल है और फिफ्थ नंबर डेसिमल, तो इसमें से कौन सा मैं बता दूं, मेरे ख्याल से फोर्थ बता देना चाहिए क्योंकि बच्चे जहाँ डेसिमल देखे सोचते हैं कि बड़ा भाई ये भूत आ गया हमारे पास और ये न बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फोर्थ नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में n फाइंड करना है, n इक्वल टू कितना हो, तो n भी फाइंड कर लेते हैं। n कितना है, a इक्वल टू माइनस 18.9, a इक्वल टू फोर्थ नंबर है इसका, फर्स्ट का फोर्थ माइनस 18.9, फिर इसके बाद d इक्वल टू 2.5 है और an इक्वल टू 3.6, एन इक्वल टू 3.6, एन हमको पता नहीं, एन की तलाश करनी। तो देखिए एन की खोज के लिए हम हमारे पास ये फार्मूला रहेगा, ये रास्ता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी प्लेस पर आपको जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते जाइए, माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 ही रहेगा और डी हो जाएगा क्या 2.5 हो जाएगा। अब क्या होगा 3.6, देखिए 3.6 और ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या माइनस का है प्लस का 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये कितना होगा देखिए 6 और 9 कितना होगा 15 होगा, 8 और 3 11 12 होगा और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब डेसिमल कहाँ पर आएगा, ये आएगा यानी 22.5। अब देखिए क्या होगा n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, दोनों में 10 का इंटू कर दीजिए, डेसिमल का भूत भग खत्म चला गया, तो ये क्या हो गया 225 हो गया। अब 25 की टेबल पढ़िए, 9 जा रहा है 25 9 जाओ 2 25 n माइनस 1 इक्वल टू 9 यानी n इक्वल टू 9 प्लस 10 इसको भी उतार ले जाए n इक्वल टू क्या है 10 है ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर चेक कर लीजिए जल्दी से तो आंसर इसका चेक करेंगे तो n इक्वल टू कितना आता है 10 आता है देखिए अब मेरे ख्याल से फिफ्थ नंबर तो बन जाएगा। अब सेकंड नंबर करना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, देखिए टीचर जो है क्वार्टरली और हाफ ईयरली का जो पेपर यहीं बनता है, तो जो छोटा क्वेश्चन होता है उसी को टीचर देते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है। 13 टर्म ऑफ एपी इज 1074 इज, इसमें ये बताना है कि इसका 30वां टर्म क्या होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का, अगर इसका बेसिक जो फार्मूला है और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया किसी भी चीज का, तो समझ लीजिए कि वो पूरे उसके क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत होगी, बाकी आप स्वयं कर डालेंगे। अब देखिएगा इसमें दिया हुआ, देखिए आपको 1074 ऐसी सीरीज बनी हुई, 10 इधर 7 इधर 4 ऐसी बनी हुई, यानी a इक्वल टू जो पहला टर्म हो उसको आंख बंद करके a मान, d इक्वल टू निकाल कहीं से भी निकालिए, इससे इसको घटाइए इससे इसको घटाइए आएगा उतना ही, अगर वो सीरीज में है तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है सीरीज में,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। ग्रेटर नंबर पे जो साइन वो साइन लगा दी। अब इसके बाद n इक्वल टू कितना है, 30। n इक्वल टू 30 भी। अब हमको निकालना क्या, 30 टर्म निकालना। a इक्वल टू फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू टी। अब ये कितना हो, an इक्वल टू a 30 इक्वल टू a प्लस a यानी 10 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस 1 और t कितना है, -3। ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3 ये हुआ। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। नंबर का इंटू करने से पहले साइन का इंटू कर दीजिए तो ज़्यादा सही, उसमें साइन में दिक्कत नहीं होती, गलत होती। अब 3 9 27 फिर इसके बाद 3 2 6 2 8 आ जाए 87। अब ये कितना है, -77 और यही इसका आंसर टिक कर दी। तो ए 30 जो है तीसवा टर्म जो हुआ वो 77 हो गया। अब सेकंड नंबर इसका 11 टर्म है तो इसको आप कोशिश करिएगा निकालने की, अगर ना बने तो बताइए। अब देखिए मिसिंग एपी है, अब इसमें एपी दी हुई है कुछ और कुछ एपी जो है छूट गए हैं उनको फाइंड करना। तो देखिए थर्ड नंबर इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, जो बॉक्स में मिस है उनको फाइंड करना जो टर्म। तो पहले देखिए सेकंड का फर्स्ट 2 और बॉक्स और 26। देखिए थर्ड का फर्स्ट इधर 2 है फिर इधर बॉक्स बना है फिर इधर क्या है 26 हुआ। अब देखिए आपका रिवीजन चलेगा चैप्टर 3 का एलिमिनेशन है। देखिए ये क्या है, ए पहला टर्म जो हुआ ये हो यानी ये इक्वल टू 2 हो गया। अब ये क्या हुआ, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे ये ए होगा ये ए प्लस बी होगा और ये ए प्लस 2b होगा। तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा। तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा, 26 होगा। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। ये अगर ट्रांसफर करिए तो 2d इक्वल टू कितना होगा, 26 माइनस 2 तो 2d इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 24। तो d इक्वल टू कितना होगा, 24 अपॉन 2 बी इक्वल टू कितना हुआ 10। अब ये कितना था, ए प्लस बी था, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू 2 प्लस डी इक्वल टू कितना 12 यानी दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 14। आंसर सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए देखिए 2 ठीक है प्लस 12 2 24 ये हो जाएगा 26 बन जाएगा। अरे बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, ये दिमाग को बचाना नहीं है, ये पता चला बचा के रखना है कि अरे यार खर्च हो जाएगा तो फिर कहाँ पाएंगे। देखिए फोर्थ नंबर इसका, देखिए थर्ड सेकंड थर्ड मेरे ख्याल से बन जाएगा, इसका फोर्थ नंबर मैं बता देता हूँ। फोर्थ नंबर क्या है, -4 और फिर बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं, चार बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स देख के घबरा रहे हैं ठीक है। तो इसको फोर्थ नंबर मैं बता देता हूँ। इसके बाद आप इतना करने के बाद, इतने क्वेश्चन करने के बाद आपसे खुद बनने लगेगा और बहुत अच्छे से बनने लगेगा और मेरे ख्याल से आपको एपी जो है इजी भी लगेगी क्योंकि इसका लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा टफ है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो अपने आप बनने लगेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, फोर्थ नंबर है -4 फिर ये बॉक्स बना है, ये देखिए ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए सीरीज कैसी बनेगी, ए बनेगा फिर ये क्या होगा, ये क्या हुआ ए, ये बॉक्स क्या होगा ए प्लस डी होगा दूसरा टर्म है ना, और ये क्या होगा ए प्लस टू डी होगा
ये a प्लस थ्री डी होगा, ये a प्लस फोर डी होगा और ये a प्लस फाइव डी होगा ये टर्म। यानी इसमें भी आपको a पता है और फिफ्थ टर्म पता है, सिक्स टर्म। तो a इक्वल टू कितना है माइनस फोर और a प्लस फाइव भी इक्वल टू कितना है सिक्स है। a की वैल्यू इसमें पर पुट कर दीजिए, माइनस फाइव और d इक्वल टू सिक्स, ये उधर गया तो फाइव डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस फोर, तो फाइव डी इक्वल टू कितना होगा टेन, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन बाई फाइव, तो d इक्वल टू कितना आ गया टू आ गया, ये निकल आया। अब एक तरफ से इनको लगा देते, अब देखिए क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी आपको दिया, इसके इक्वल क्या होगा, a इक्वल टू कितना है माइनस फोर और d इक्वल टू कितना है टू, ये कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। इसके बाद a प्लस टू डी है, यानी a इक्वल टू कितना है माइनस फोर प्लस टू डी कितना है टू इंटू टू, तो माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद a प्लस थ्री डी है, जो जो नहीं फाइंड है वो करते जाए, माइनस फोर प्लस थ्री इंटू टू, ये क्या होगा माइनस फोर प्लस सिक्स, यानी कितना आ जाएगा। और इसी तरह से इसको निकालेंगे a प्लस फोर डी को, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस फोर इंटू टू, तो माइनस फोर प्लस एट इक्वल टू कितना हो गया a प्लस फोर डी, ये आ गया फोर, वो इतना बन जाए। अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो आंसर इसका क्या है, थर्ड का फोर्थ नंबर, थर्ड का फोर्थ नंबर देखिए माइनस टू है, थर्ड का फोर्थ नंबर फिर जीरो है, फिर टू है, फिर फोर, जीरो है, अच्छा ये टर्म माइनस टू है, फिर जीरो है, टू है, फोर, ये आ गया आंसर, माइनस टू जीरो टू और फोर। अब इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर है, दिस टर्म ऑफ एटी थ्री एट थर्टीन एटीन एंड सेवेंटी एट, इसका लास्ट टर्म जो है वो सेवेंटी एट दिया, दिस टर्म ऑफ ए पी थ्री एट थर्टीन फोर इज सेवेंटी एट, यानी कौन सा टर्म ए पी का जो है, तो ए पी वहाँ पर बनी हुई है थ्री एट थर्टीन एंड एटीन। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल वैसे भी वीडियो देखते देखते सिर दर्द करने लगता है, तो बड़े आराम से पढ़िए और बीच बीच में आप वीडियो को रोक करके इधर उधर घूम लीजिए, इसके बाद फिर पढ़िए, और एक बार वीडियो आप क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद अपने से करिए, तब तक आपको बैठ मिल जाएगा, थोड़ा आप भी आराम कर लेंगे, दिमाग भी थोड़ा खुल जाएगा। इसके बाद ज़्यादा बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि ग्रुप में आ रहे हैं वीडियो, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, ये सब भेजना, तो परेशान नहीं हो, थोड़ा वीडियो को रोक करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा सा देखिए इसके बाद सॉल्व, इससे गैप मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में भी आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो अभी मैं लिंक सेंड करना पड़ता है पहले, आपको लिंक नहीं सेंड करना पड़ेगा, पूरी मैथ आपको मैं बता दूँ, फिर आपके पास डायरेक्ट, जैसे मैं अगर तीन बजे रात मेरा वीडियो अपलोड हुआ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ गया, जैसे ही आप डाटा ऑन किए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया। ये बीच में ऐसी बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आप थोड़ा आपके दिमाग से पढ़ाई वाली चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखिए एपी जो आपकी बनी, एपी क्या बनी है थ्री एट थर्टीन और एटीन, ऐसे ही है थर्टीन और एटीन, और इसका लास्ट टर्म जो आपको दिया है वो सेवेंटी एट, यानी कौन सा टर्म होगा। तो देखिए ए इक्वल टू कितना है थ्री, डी इक्वल टू कितना है
ऐसे निकाल लीजिए, इसका फार्मूला होता है ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस। तो d इक्वल टू आप 13 माइनस 8, तो d इक्वल टू 5 आ गया। चाहे आप इससे इसको घटाइए, चाहे इससे इसको घटाइए, चाहे इससे इसको घटाइए, अगर वो AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम आए, किसी से भी घटा। और l इक्वल टू इसमें कितना है 78। अब एक नया फार्मूला आ गया, उसी फार्मूले का नाम बदल, जो l इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू b, इसको आप लगाइए। तो लास्ट टर्म इसमें कितना है 78, ये 78 हो गया। a कितना है 3m, m पता नहीं है, m की ही तलाश है हमको। और d इक्वल टू 5, अब ये क्या हुआ 78 माइनस 3, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए भाई, ये नंबर है ये नंबर है, वो एक साथ रखिए, भेदभाव नहीं करना है। अब ये क्या हुआ 75 इक्वल टू एम माइनस 1 और ये 5, अब ये डिवाइड कर दीजिए 75 अपॉन 5 इक्वल टू एम माइनस 1, ये कितना होगा 15, तो 15 इक्वल टू एम माइनस 1। तो अब क्या करेंगे n इक्वल टू 15 प्लस 1, n इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, और यही तो आंसर है n इक्वल टू 16, यानी इससे 16 टर्म जो होगा वो क्या होगा 78। इसका आंसर भी चेक कर लीजिए कौन सा नंबर है, फाइव पॉइंट टू चल रहा है, फोर टर्म, 16 टर्म लिखे, ठीक है। तो इसमें 16 टर्म जो होगा वो क्या होगा 78। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स ईच आर द फॉलोइंग, इसमें भी n फाइंड करना। तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिफ्थ नंबर में बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे इसको अभी बताया, 205 लास्ट टर्म हो जाएगा और a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 19 माइनस 7, a 13 इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब सिक्स नंबर, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ ap, इसमें चेक करना है कि माइनस 150 क्या ap का टर्म है कि नहीं। तो देखिए इस AP को निकाल दीजिए कि AP है क्या, 11852, मैं इसको बता दूं, अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए कि इसको फाइंड करते जाइए, कौन सा नंबर है ये सिक्स नंबर, 11 8, फिर कितना है 5 2, यानी a इक्वल टू आपका सीधे 11, b इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 8, d इक्वल टू कितना है माइनस 3, n इक्वल टू पता नहीं है, AP में ये टर्म है, यानी अगर हम लास्ट टर्म मान लें 150, अब इसमें फार्मूला लगाएं a प्लस n माइनस 150, तो देखिए माइनस 150 इक्वल a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, ये माइनस 3, अब क्या हो माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस एन माइनस 1 और इंटू यहां पर 3 रख, अब इसको इधर ट्रांसफर करिए 150 माइनस 11 इक्वल टू माइनस एन माइनस 1, अब दोनों कैंसिल हो गए, या तो इसको ऐसे माइनस मत दिया, ये भी प्लस ही रहने दीजिए, तो यहां से माइनस कट जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, माइनस की झंझट, ये
ये हो गया n माइनस वन इंटू माइनस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 161 हो माइनस इक्वल टू n माइनस वन और माइनस थ्री। अब इससे इसको डिवाइड कर देते तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 161 अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू n माइनस वन। माइनस माइनस कैंसिल और 3 5 15 और 1 बचा 6 to 8 ये माइनस नहीं होगा ठीक है। यानी जो d इक्वल टू माइनस थ्री है ये हो गया 11 ये ठीक है प्लस n माइनस 1 3 n माइनस 1 माइनस 150 और प्लस 10 यानी 60 और 11 60 ये हुआ। अब 3 5 15 ये से डिवाइड ही नहीं होगा यानी अगर इलेवन एट फाइव। अब देखिए ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है यानी इसकी एन जो है इसका फाइंड करना जो है मुश्किल है। एक बार ऐसा ना माने तो ऐसा भी करके देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं डायरेक्ट इनटू करके मतलब अगर यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ से भी एक बार चेक कर लेते हैं फिर इसका ये मान लेते हैं टर्म नहीं होगा। अगर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा तो ये टर्म इसका नहीं है तो यहाँ पर माइनस थ्री हुआ माइनस माइनस प्लस थ्री एन हुआ और ये प्लस थ्री हुआ। अब क्या करेंगे इसको उधर माइनस कर तो ये कितना हो जाएगा देखिए माइनस 161 और फिर माइनस थ्री कंटिन्यू कितना होगा माइनस थ्री एन कितना हो जाएगा माइनस 164 इक्वल टू माइनस थ्री माइनस माइनस कैंसिल चार दस ग्यारह ये भी नहीं कटे मतलब क्या होगा कि ये इसका टर्म क्या है सिक्स नंबर नहीं होगा। तो देखिए किसी भी तरह दोनों तरफ से हमने चेक कर तो यहां पर क्या हुआ 164 इक्वल टू थ्री है यानी ये इक्वल टू 164 अपॉन देखिए इसका फाइंड करना आसान है तो यहां पर इसको क्या करेंगे नो इट इज नॉट टर्म नॉट टर्म ऑफ दिस एपी इस एपी का ये टर्म नहीं। अगर देखिए हमने उस तरह से भी किया था तो डिवाइड नहीं हुआ इस तरह से भी किया तो डिवाइड नहीं हुआ ये काम है ना मेरा दो आप ऐसे नहीं कि एक बार चेक किए दोनों तरफ से चेक करके देखिए कि आप ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं अगर डिवाइड हुआ तो ये पी का टर्म होगा अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ए पी का टर्म नहीं होगा ऐसे ही करना है बस ठीक है। तो ये बन जाएगा कि इसके बाद ए पी आप 31st टर्म फॉर ए पी हुज 11th टर्म आप 38 and 16 टर्म इज 70। हमको 31st फाइंड करना जिसमें 11 टर्म 38 दिया 16 टर्म 73 दिया अब फाइंड क्या करना 31st टर्म फाइंड करना तो यहाँ पर क्या हो जाए देखिए अगर कोई भी एपी होगा तो उसको कैलकुलेट करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी अगर एपी में नहीं है तो कैलकुलेट करने पर वो उसका आंसर ही नहीं आएगा या तो डिवाइड ही नहीं होगा ठीक है। अब यहाँ पर देख पहले मान लेते हैं कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 यहाँ पर मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इस ए या फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए ऐसा लिखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी ठीक है। तो यहां पर 11th टर्म इक्वल टू क्या होगा 11th टर्म इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 10 डी होता है
यानी a प्लस 10b इक्वल टू 38 दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन a प्लस 10b इक्वल टू 30। अब क्या हो, 16 टर्म दिया है 73 एंड 16 टर्म इक्वल टू क्या हो, 16 टर्म इक्वल टू 73 दिया हो, तो 16 टर्म क्या होता है, a प्लस 16b होगा, सेम टर्म होगा ना, तो ये 16 टर्म है तो यहाँ पर 15b हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो, आप दोनों को सॉल्व कर, एक साथ लिखिए a प्लस 10b इक्वल टू कितना है 38, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाना है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है तो कुछ इंटू करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको माइनस कर। अब ये क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा, और ये देखिए इससे ये माइनस होगा तो कितना होगा, 13 में एक गए 5, और ये 7 4 3 35। अब ये कितना होगा, d इक्वल टू, देखिए d इक्वल टू 35 अपॉन 5, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, d निकल आया। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में करिए, ये हो जाएगा क्या, a प्लस 10 इंटू डी कितना है 7, इक्वल टू कितना होगा 38, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू कितना होगा 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू कितना होगा, 10 में 8 है 2, 7 में कितना है 4, तो ये हो जाएगा 2, और साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, a इक्वल टू 32 आ गया। मैं देखिए अब आपको क्या निकालना, 31st टर्म निकाल, तो 31st टर्म क्या होगा, a प्लस 30d होगा, यानी a इक्वल टू कितना है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है, d इक्वल टू कितना है 7, ये हो गया 7, तो माइनस 32 प्लस 210, अब इसको घटा दीजिए 210, तो देखिए 210 माइनस 32, 10 में 2 गए ठीक है, 11 में 4 7 आ जाएगा, और ये 1 ठीक, तो ये कितना हो गया 178, इसका 31st टर्म क्या होगा, 31st टर्म क्या होगा 178 होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही आया कि नहीं, तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, 7 नंबर 178। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें मेरे ख्याल से 8, 9, 10 तीनों बन जाएंगे आपसे, अगर ना बने तो आप, इसीलिए मैं व्हाट्सएप नंबर लिखा हूँ वहाँ पर, या इसी के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसको, जो भी क्वेश्चन ना बना करे भाई, क्या है ये, अगर हर क्वेश्चन हम बता देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, जे जो अगर सलूशन पहले से अगर आप सलूशन पता है या रखा हुआ है सामने तो कौन करेगा, है ना, अगर ना बने तो कमेंट करिए, जैसे 8 के कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, 9th नंबर का 8th नंबर का एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म इन विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड 16 एंड लास्ट टर्म 106, थर्ड टर्म भी दिया है लास्ट टर्म भी दिया है और n इक्वल टू 50 टर्म, ये बड़े आसानी से निकल आएगा, इन द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ APR 4 एंड माइनस 8 बीच टर्म ऑफ APG 0, यानी लास्ट टर्म 0 ले लेना है ये और आंसर आ जाएगा, द 17th टर्म ऑफ NAPXC इज 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए 17 टर्म और जो 10 टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है,
यानी टेंथ टर्म को मैं 7 ऐड कर दिए, 7 प्लस कर दिए तो 17 टर्म है। तो इनका कॉमन डिफरेंस, वैसे तो इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, 17 माइनस यहाँ पे 10 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर मैथड से करेंगे तो देखिए 10 से यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि लेंथ फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना, ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना, डी। तो देखिए टेंथ टर्म में अगर 7 ऐड कर दें तो कितना आ जाता है, 17 टर्म आ जाता है। यानी यहां पर कितना होगा, टेंथ टर्म माइनस 17 टर्म इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। यानी दोनों का डिफरेंस, ये उधर चला गया ये इधर आ गया। अब देखिए टेंस है तो इसमें दिक्कत नहीं है इसको, या तो इसको हम ऐसा लिख दें 17th टर्म, ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 12th टर्म, यानी दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 7 है दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 17th टर्म क्या होगा, a प्लस 16 भी होगा माइनस, इसको अभी ब्रैकेट में रखिए, a प्लस यहाँ पे क्या होगा 10th टर्म 90 होगा इक्वल टू 7 होगा। तो देखिए a प्लस 16th d माइनस a माइनस 90 इक्वल टू क्या होगा 7, a और a फिनिश, 16d में 90 घटेगा तो 7d आएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आया 7/7, तो d इक्वल टू क्या आ गया 1, ये हो गया था। चाहे आप इसमें करके देखिए या इसमें करके देखिए आंसर सही है, दोनों में सही है, क्योंकि ये माइनस में सेकंड तो इधर भी माइनस आ जाएगा तो इधर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो भी यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका आंसर पहले चुप कौन सा नंबर, 10 नंबर 1 आ गया। अब वो मेरे ख्याल से 11 नंबर भी तो आ गया, 20 टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी 54 टर्म में 132 ऐड कर दिए तो वो जो टर्म है वो हमको निकाल रहा है, जो टर्म आएगा वो कौन सा होगा, यानी जो वो nth टर्म है और 54 टर्म दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 132। या इसी को ऐसे शब्दों में कहें कि 54 टर्म में 132 ऐड कर देंगे तो कोई टर्म आएगा तो कौन सा टर्म होगा ये बताएं, यानी n फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करें, पहले इसको बकायदे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब जो एपी लिखी हुई है एपी लिख के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पूरा निकाल देते हैं, 3, 15, 27, 39 11 नंबर है, 3, 15, 27, 39 ऐसा हुआ, ये एपी हो गई इसकी, यानी ए इक्वल टू इसमें कितना है 3, डी इक्वल टू कितना है 27 माइनस 5 15, तो d इक्वल टू कितना है 12 हुआ। अब क्या करना, या तो इसको ऐड कर दीजिए 130, या तो क्या करिए nth टर्म माइनस 54th टर्म इक्वल टू 132 ऐसा कर दीजिए सर। इसको वैसा भी कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करके 54 टर्म प्लस 132 इक्वल टू एंथ टर्म ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो वही बात होगी, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस, ये हुआ क्या एंथ टर्म हुआ। 54 टर्म क्या होगा, ए प्लस 53 डी होगा इक्वल टू क्या होगा 130। आप क्या करते हैं a प्लस ये हो जाएगा एन डी माइनस ये क्या होगा d, और इस माइनस साइन का इंटू होगा तो माइनस ए माइनस 53 डी इक्वल टू 130।
ए और ए की कहानी खत्म, डी और ए क्या हो जाएगा, 54D हो जाएगा, हो जाएगा, ए हो जाएगा एन डी माइनस 54D इक्वल टू 130। अब डी दोनों में से कॉमन ले, डी इक्वल टू कॉमन ले तो एन माइनस 54 आया इक्वल टू 130, ठीक है। तो डी हमारे पास है 130, डी इक्वल टू कितना है, यानी अब देखिए डी इंटू एन माइनस 54 इक्वल टू 132। अब डी की वैल्यू रख दीजिए 12, एन माइनस 54 इक्वल टू 132, एन माइनस 54 इक्वल टू क्या होगा 132 और 112, एन माइनस 54 इक्वल टू कितना होगा 12 यानी 11 आ जाए। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो n इक्वल टू 11 प्लस 54 यानी n इक्वल टू कितना होगा 5 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65th टर्म जो होगा वो क्या आएगा 132 ज़्यादा होगा 54 टर्म से, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिए, इसके बाद कौन सा नंबर है ये 11 नंबर, 11 नंबर, 11 देखिए 65th टर्म। अब इसके बाद 12 है, टू एपीज हैज द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यानी दो एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कोई दो एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम। तो मान लेते हैं कि पहली एपी जो है देखिए दो एपी है, यहां पे 10 नंबर है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया देता हूं। यहां पे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी ठीक है इक्वल टू ए1 ले लो, एंड सेकंड टर्म ऑफ एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी कुछ भी ले सकते हैं, b1 ले लीजिए या a2 ऐसा करके ले लीजिए जो आपकी इच्छा, b1 ले लीजिए या b ले लिए, 1 भी लेने की जरूरत नहीं, जो इच्छा है उसमें कोई xy भी ले सकते हैं क्योंकि ap तो पता ही नहीं है। और कॉमन डिफरेंस क्या है वो ये दोनों में कॉमन b है। आप दोनों के 100 टर्म तो यहां पे लिखेंगे 100 टर्म आप फर्स्ट एपी, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी इक्वल टू कितना है 100, दोनों का डिफरेंस कितना है 100, तो इसका 100 टर्म क्या होगा a1 प्लस फर्स्ट टर्म तो a1 है ना 99b और माइनस इसको करिए इसका क्या है b1 प्लस 99b, b तो सेम है ना दोनों में और ये हो गया क्या 100, तो ये होगा a1 प्लस 99b माइनस b1 माइनस 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये और ये कैसे a1 माइनस b1 इक्वल टू कितना है 100 आया। अब क्या करना है इनके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो, तो 1000 टर्म का डिफरेंस यहीं से निकाल सकते, देखिए 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ सेकंड एपी ये निकालना इतना आया। तो देखिए इसका 1000 टर्म क्या होगा a1 प्लस 999 b होगा
माइनस ये क्या होगा बी वन प्लस 999 बी होगा, होगा कि नहीं। अब ये देखिए ए वन प्लस 999 डी माइनस ये कितना होगा बी वन माइनस 999 हो गए। ये और ये कैसे बचा क्या ए वन माइनस ए टू बचा बी वन बचा तो ए वन माइनस बी वन। अब ए वन माइनस बी वन कितना 100 है यानी इनका भी डिफरेंस होगा क्या 100 होगा ठीक है। यानी तो क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ 218 इज क्या होगा 100 होगा। यानी दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा 100 होगा यही हमको बताना था। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर 12 नंबर 100 ही है। अब इसके बाद हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 से डिविजिबल थ्री डिजिट की नंबर हमको फाइंड करना है। तो 7 से डिविजिबल थ्री डिजिट की नंबर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। इसके बाद अब देखिए 7 की डिविजिबल 3 डिजिट की नंबर, तो पहले 3 डिजिट की नंबर स्टार्ट कहां से 3 डिजिट की नंबर जो होती है वो 100 होती है और लास्ट 3 डिजिट की नंबर कौन सी होगी 999। तो हम पता कैसे करेंगे भाई पहली नंबर कौन सी है जो 7 से डिविजिबल। तो आप क्या करिए 100 से आप डिवाइड कर दीजिए 7। अब देखिएगा 7 वन जा 7 आया 3 आया 7 4 जा 28 यानी कितना आया 2। अगर 100 में हम 2 माइनस कर दें तो 98 आएगा। ये 7 से डिविजिबल होगा 98 क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है 2। अब 98 लेकिन ये 2 डिजिट का है ना हमको चाहिए 3 डिजिट के तो 98 प्लस 7 कर दीजिए यानी 105 आ जाए। यानी जो पहली संख्या है वो 105 ये 13 नंबर है ना ये रफ वर्क करना है और इस तरह से आप सीरीज बनाते जाइए 112 हो जाएगी। अब लास्ट टर्म क्या है लास्ट 3 डिजिट की जो नंबर वो 999 है। अब इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए 7 वन जा 7 टू आया 7 फोर जा 28 ये वन आया फिर 7 टू जा 14 आया और यहाँ पर 19 में 5 आ जाए। यानी 999 में 5 माइनस कर दीजिए तो ये कितना आया 4 ठीक है और ये 9 आया यानी 994 जो है वो लास्ट नंबर होगी जो 7 से डिवाइड हो। विस्तार नो चेक कर लीजिएगा देखिए 994 7 वन जा 7 ठीक है तो कितना होगा 2 आएगा 7 4 जा 28 1 आया 7 2 जा 14 यानी ये 994 जो है ये लास्ट टर्म है जो 7 की टेबल में आता है और 3 डिजिट का जो नंबर है वो लास्ट टर्म जो हो जाएगा इसका 994। अब हमको n फाइंड करना है कि कितने नंबर हैं इनके बीच में। तो देखिए a इक्वल टू हमारे पास 105 दिया हुआ d इक्वल टू क्योंकि 7 की टेबल में आते हैं ना तो कॉमन डिफरेंस सब में 7 ही होगा और l इक्वल टू क्या है 994। तो आप फार्मूला लिखिए मैं यहाँ पर फार्मूला क्या होता है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d ये हुआ यानी L इक्वल टू कितना होगा 994 इक्वल टू A कितना है 105 प्लस N माइनस 1 D कितना है 7। अब इसको इधर ले आइए 994 माइनस 105 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D
यानी 7। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 994 माइनस 105, तो 14 में 5 है, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, यानी 889 हो जाएगा। 889 इक्वल टू एल माइनस 1 इंटू 7। अब 7 ले आइए डिवाइड में, तो 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1। अब क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 7 1 7 एक आया, 7 2 14, 7 7 29, यानी 127। एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, 127। एन इक्वल टू कितना आया, 127 प्लस 1, एन इक्वल टू कितना है, 128। ये हो गया आंसर, यानी जो अच्छा 128 जो है वो नंबर होंगी, इसमें कितनी जो 3 से डिविजिबल होंगी और 3 डिजिट की, 7 से डिविजिबल होंगी 3 डिजिट की नंबर, 128 30 नंबर है इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो 14 नंबर है वो मेरे ख्याल से अब इधर के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, इनको ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो बताइएगा मेरे को। देखिए फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो इसमें एक माइनस करके इसका एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल से देख के करेंगे तो बन जाएगा लास्ट टर्म में, ठीक है। पीछे से करना, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24, ये भी एग्जांपल में दिया हुआ है। कुल मिला के ये है कि इधर के क्वेश्चन जो है, देखिए सुबह राव स्टार्टेड वर्क एट 995 एनुअल सैलरी 5000 एंड रिसीव इन इंक्रीमेंट ऑफ रुपी 200 ईच ईयर। अब देखिए उसने स्टार्ट किया 5000 से और इंक्रीमेंट उसकी बनती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, यानी यहाँ पर आया पहले 5000, फिर उसमें क्या हुआ 5200 ऐड हो, 200 अगले साल ऐड हो, और इस तरह से उसकी सैलरी 7000 का हो, यही बताना है ना, यानी उसकी 7000 का हो। तो देखिए इसमें लास्ट टर्म 7000 है, फर्स्ट टर्म में 5000 और डी इक्वल टू 200 है, एन निकालना जैसे अभी इसमें निकाले, तो ये भी ट्राई करिएगा। इसमें इसके बाद रामकली से 5 इन द फर्स्ट वीक एंड वीक ऑफ ए ईयर देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75, यानी इसमें भी ए इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू 1.75 है, इसमें भी एन फाइंड करना, लास्ट टर्म 20.75 है, तो इसमें भी एन निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, आप फिर वही बात, अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर डालिए, ठीक है। क्योंकि अब तो मैं बोलना ही बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, चलिए ठीक है। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।